हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करेंगे। XL6 का इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये, जो हाल ही में लॉन्च हुई है गाड़ी। तो Bs6 गाड़ी है, तो उसी इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करेंगे। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है इसमें क्रोम फिनिश के साथ। स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी है, तो उसके स्विचेस भी आपको राइट साइड में ही दिए गए हैं। इसमें ऑडियो कंट्रोल्स और फोनी कंट्रोल्स स्टेयरिंग व्हील पे दिए गए हैं। वॉइस कमांड भी आप इसमें दे सकते हैं। SRS एयरबैग है इसका, मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ। साथ में ही आपको क्रूज सिस्टम भी दिया गया है इसमें। स्टेयरिंग व्हील पे ही टिल्ट स्टेयरिंग दिया गया है, अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं स्टेयरिंग व्हील को। और MID देख लीजिए, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। MID में जो एक गाड़ी में होनी चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको इसमें। तो काफ़ी अच्छी MID है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें आपको लो फ्यूल शो करता है, अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल कम है तो ये शो करेगा इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी। इग्निशन ऑन करते ही कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। और इसमें आप स्मार्टफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, FM AM भी आप इसमें चला सकते हैं। और ये टच स्क्रीन दिया गया है इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लैक पियानो फिनिश के साथ। और यहाँ से आप इस वाले बटन से आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम को। तो एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, देखिए ऑफ हो गया। और ऑन करना है तो एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं। और वॉल्यूम को अगर बढ़ाना है तो वॉल्यूम को भी बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ से वॉल्यूम का यहाँ पे टच दिया गया है, तो यहाँ से आप वॉल्यूम कम कर सकते हैं और यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। तो वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने का भी टच दिया गया है इसमें। यहाँ से आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ से म्यूट कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम को, यानी अगर आपको आवाज़ म्यूट करनी है तो कर सकते हैं। सेटिंग का बटन यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। और बेस टेबल और बैलेंस सारी चीज़ें आप इसमें देखिए इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो सेटिंग है वो वहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम की, क्या सेटिंग करनी है आपको। यहाँ से बैक जा सकते हैं, तो बैक का बटन भी यहाँ दिया गया है। यहाँ से बैक जाएंगे आप, बैक का बटन ये वाला है। काफ़ी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये। इसमें आप CD प्ले नहीं कर सकते। और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम पैनासोनिक का है, पैनासोनिक का इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये। यहाँ से भी यहाँ से आप देखिए ट्यूसडे है जैसे कि वो सारी चीज़ें शो करेगा 27 अगस्त। और सेटिंग काफ़ी सारी दी गई है इसमें, तो टाइम की सेटिंग भी कर सकते हैं, डिस्प्ले की सेटिंग भी कर सकते हैं। देखिए तो टाइम की सेटिंग भी कर सकते हैं आप, GPRS की सेटिंग। चौबीस हॉर्स, तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग करने का ऑप्शन पूरा दिया गया है अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम में, जैसे आपको चाहिए वैसा आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली ट्रिक दी गई है, तो सेटिंग का प्रोसीजर मैंने बता दिया आपको। यहाँ से सारी सेटिंग कर सकते हैं अपनी इंफोटेनमेंट सिस्टम की। और यहाँ से आप बैक जाएंगे, ऑटो AC दिया गया है इसमें देखिए। और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB ऑक्स के भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। और स्मार्ट की देखिए, आपको ब्लैक कलर की स्मार्ट की दी गई है, जो कि S का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है इसमें। एयर कूल्ड 2 कप होल्डर भी दिए गए हैं इसमें कंसोल पे ही। और इसमें आपको स्मार्ट की मिलती है जिसमें कि आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी को। और ये गियर लीवर है, ब्लैक पियानो फिनिश के साथ दिया गया है। हैंड ब्रेक लीवर क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। आर्मरेस्ट भी दिया गया है इसमें, ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट दिया गया है इसमें। देखिए कुछ स्पेस भी मिलेगा आपको ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट के साथ ही। और कोर ड्राइवर साइड डोर ट्रिम का लुक है ये, कोर ड्राइवर साइड डोर ट्रिम, डैशबोर्ड का लुक। इसमें दो टूटर दिए गए हैं इसमें,
लेफ्ट राइट में दो टूटर मिलेंगे आपको, डोर ट्रिम के ऊपर ही ग्लो बॉक्स जो अच्छा खासा स्पेस, सिल्वर फिनिश दी गई है, ग्लो बॉक्स काफ़ी अच्छा स्पेस ही है। इनसाइड हैंडल क्रोम पे पावर विंडो, बोतल रखने का स्पेस, स्पीकर इसमें टोटल चार दिए गए हैं। और जो अपोस्ट्री दी गई है, जेट्टा वेरिएंट गाड़ी है ये, अपोस्ट्री देखेंगे तो आपको ब्लैक कलर की दी गई है। सीटों में कुछ खुरदरी सी लाइनिंग दी गई है, इसमें लाइनिंग भी दी गई है सीटों में। अपोस्ट्री आपको कॉटन की दी गई है इसमें, और इसमें आपको इनसाइड हैंडल क्रोम पे दिए गए हैं। देखिए चारों डोर पावर विंडो मिलते हैं, लेदर की सीटें मिलती हैं अगर आप अल्फा लेते हैं। ये चारों डोर पावर विंडो दिए गए हैं इसमें, लॉक अनलॉक कर सकते हैं, शीशों को भी लॉक कर सकते हैं, साइड मिरर को फोल्ड कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। देखिए फोल्डेबल, यहाँ से आप फोल्ड कर सकते हैं, मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको, और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको हाथ बाहर निकाल के एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी में बैठे बैठे ही आप गाड़ी की साइड मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। अपने दोनों ही साइड मिररों को एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, ड्राइवर साइड ही, और गाड़ी के अंदर बैठ के आप एडजस्ट कर सकते हैं साइड मिरर। और इसके माइलेज की अगर हम बात करें तो अगर आप मैनुअल लेते हैं गाड़ी तो इसमें आपको 19 kmpl की माइलेज मिलेगी, अगर आप मैनुअल लेते हैं। अगर आप 80 लेते हैं यानी ऑटोमेटिक तो 17.99 kmpl की माइलेज मिलेगी। तो ये तो हो गई माइलेज के बाद, बात कर लेते हैं प्राइस की। तो जैसा कि ये XL6 जेट्टा वेरिएंट है, तो उससे पहले मैं आपको सीटें दिखा देता हूँ, रियर का इंटीरियर भी आप देख लीजिए। तो ये रियर का इंटीरियर है, इसमें बीच में आपको देखिए सीटों को अलग कर दिया गया है, बीच से सेकेंड रो वाली सीटें हैं ये दोनों का जो इंटीरियर है। सीटों का पूरा ब्लैक दिया गया है और सीटें अलग कर दी गई हैं, इंडिपेंडेंट आपको आर्मरेस्ट दिए गए हैं, और सीटें तो आपने देख ली, अलग कर दी गई हैं सीटें। और अगर आप रियर जो थर्ड रो वाली सीटें हैं अगर उनको फोल्ड करते हैं तो उसमें आपको 550 liter का बूट स्पेस मिलता है। वैसे अगर आपको बिना फोल्ड किए तो आपको 209 liter का बूट स्पेस मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है इसमें, थर्ड रो वाली सीटों को फोल्ड करने के बाद काफ़ी अच्छा बूट स्पेस में आपको इसमें मिल जाता है। बात कर लेते हैं प्राइस की। तो जेटा वेरिएंट है जैसा कि, तो इसका प्राइस है 9,79,689। इसका एक्सशोरूम प्राइस है दिल्ली का, और ऑन रोड प्राइस है इसका 10,99,924 इसका ऑन रोड प्राइस है जेटा वेरिएंट का, अगर आप मैनुअल लेते हैं तो। इसका प्राइस मैंने आपको बता दिया अगर आप मैनुअल गाड़ी लेते हैं जेटा वेरिएंट में। और यही था इस वीडियो में, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, इसका रिव्यू मैंने किया हुआ है अपने चैनल पे। तो यही था इस वीडियो में, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।